थाना खरखौदा के अंदर फलेदपुर गांव में जिसमें एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पे दो पड़ोसी जो परिवार हैं उसमें छोटे बच्चों को खेलने को लेकर कुछ विवाद हुआ, उसमें कि दोनों ही पक्षों की तरफ से गोली चलाएगी, उसमें कि एक जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई थी, दूसरा जो एक महिला थी वो घायल थी उसको अस्पताल पहुँचाया गया था जहाँ बाद में उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इसमें दोनों ही परिवारों के जो अन्य लोग हैं वो मौके से फरार हैं और इसमें जो पुलिस की तरफ से तहरीर ली जा रही है और उसमें भी कुछ लोगों को वहाँ पे हिरासत में लिया गया और जो लोग फरार हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत एक पुलिया के नीचे एक युवक का जो शव है, चोट लगा शव सुबह बरामद हुआ था। इसमें युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। परिवार वालों के द्वारा नामजद एक तहरीर दी गई है जिसमें कि एक युवती के जो पति है उसके ऊपर आरोप लगाया गया। पुलिस के द्वारा उस युवक को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें प्रेम प्रसंग का कुछ मामला बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि पूरे प्रकरण में कठोर कार्रवाई से की जाएगी। हत्या किस तरीके से की गई सर? इसमें चोट लगने से युवक की हत्या प्रतीत हो रही है, सर पे चोट लगी हुई थी और जो शव है वो पुलिया के नीचे रखा हुआ और पोस्टमार्टम जो है वो किया जा रहा है। उसमें जो चोटों के आधार पर या जो भी चीज़ें उसमें आएगी, मौत का कारण प्रथम दृष्टया उसमें चोट लगने से मौत का कारण पाया जा रहा था। थाना हस्तिनापुर के अंतर्गत एक गांव में तीन युवक एक स्कूल में बैठे हुए थे, इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो या तीन युवक आए, उनके द्वारा एक युवक के द्वारा उसमें गोली चलाई गई जिसमें कि एक युवक के गोली लगी और उसको अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। घर वालों के द्वारा तहरीर दी जा रही है जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। शक के आधार पर कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया और जैसे ही इसमें कोई चीज़ कंफर्म होगी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई इसमें की जाएगी। क्या मामला रहा था, क्राइम रंजिश है, क्या मामला था? मामला अभी घरवालों से बातचीत जो हुई है अभी कोई रंजिश तो नहीं बता रहे, लेकिन कुछ नाम उन्होंने दिए, उस नाम के आधार पे हमने कुछ लोगों को पकड़ा है।